फतेहाबाद पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने पत्रकारों से बात की और इस दौरान डेरा प्रमुख के असली और नकली के मामले में हुई सुनवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट का समय नष्ट किया। बाबा का परिवार बार बार जेल में बाबा से मिलता रहा। वहीं डीजीपी की निगरानी में बाबा की सुरक्षा को लेकर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। इस प्रकार की याचिकाओं से कोर्ट और सभी का समय नष्ट होता है। इसी के साथ उन्होंने पराली बिजली संयंत्र को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद और करनाल में दो जगह पर संयंत्र लगाए जाने हैं जिससे पराली प्रबंधन होगा। देखिए, हाईकोर्ट ने कहने का, हाईकोर्ट के फैसले को तो कोई चैलेंज नहीं करता। देखिए, सीबीआई कोर्ट सजा करती है, हमारे डीजीपी जो है उनके सुपरविजन में सारा ऑपरेशन हो रहा है। इमीडिएट बाबा को हम अरेस्ट कर लेते हैं, जेल में चले जाते हैं, हमारे पास इतने दिन उनका परिवार उनसे मिलता है, उनकी माँ मिलती है, उनका बेटा मिलता है, उनकी बेटियाँ मिलती हैं, उनके दामाद मिलते हैं। अब उन्हें, अब वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो कौन करेगा? जब वो बाबा है, उसके बाद सारे रिकॉर्ड पे सजा काट रहे हैं। हमसे आगे यूपी की गवर्नमेंट, क्योंकि डिविजनल कमीशन ने उन्हें पैरोल दी 3 साल के बाद मिलती है, उसके बाद वो कहाँ जाना चाहिए, उनकी इच्छा थी कि मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, मार्ग पर चले गए। अब बेकार की बातें, इसलिए समय बर्बाद करें, हाईकोर्ट ने कर ही दिया ना फैसला, कहीं उसने बेकार समय व्यर्थ होता है आपका, हमारा, हाईकोर्ट का।